नमस्कार, मैं आपका अपना जेपी सिलवानिया। आप देख रहे हैं आईक्यू मैनिया। आज आईक्यू मैनिया पर कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसकी भारत में काफ़ी चर्चा हो रही है। वो टॉपिक है आज धारा 370। आपको डेट तो अच्छे से याद होगी, 5 अगस्त 2019, जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा था वो हटा दिया गया था। उसी के साथ साथ फिर आते आते कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर से दो यूनियन टेरिटरीज़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। वो केंद्र शासित प्रदेश थे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। परंतु अब जो बात चल रही है, हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले, 2 से 3 दिन हो गए हैं, उससे दिन पहले अभी जो जम्मू कश्मीर के जो अच्छे नेता हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, जितने भी सारे फारूक हैं, इन सब के बीच नरेंद्र मोदी हैं, जिसपे मनोज सिन्हा भी वहाँ पे उपस्थित रहे, और साथ के साथ जम्मू कश्मीर के भाजपा के चेहरा जितेंद्र सिंह भी थे वहीं पे। उनमें एक मीटिंग हुई है जिसमें एक नया आयोग, जिसको परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन किया कहा जाता है, वो लाने की तैयारी है, ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सांप्रदायिक शांति है या भविष्य में जम्मू और कश्मीर कैसा हो, या साथ के साथ जम्मू कश्मीर में भविष्य में या आने वाले समय में चुनावी प्रक्रिया कैसी हो। भारत सरकार जो है वो जो जम्मू और कश्मीर है, जो कश्मीर के अंदर जो वहाँ के नेताओं का जो वर्चस्व है उसको ख़त्म करने के लिए, या उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं कम करने, 370 की जगह 371 जो है अनुच्छेद लाने की तैयारी में है। अगर 370 की जगह 371 अनुच्छेद आ जाए तो यह अपने आप में एक उपलब्धि होगी। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारत के अंदर 11 राज्यों में अनुच्छेद 371 का प्रावधान है। जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और गोवा, इन राज्यों में सभी में अनुच्छेद 371 के तहत स्पेशल प्रोविज़न है। इसमें आपको बता दूं कि अनुच्छेद 371 आखिरकार पहले क्या है, इसको हम जान लेते हैं। 371 के तहत जो वहाँ का कोई भी एरिया होता है या उसको राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, साथ के साथ जो वहाँ पे एरिया में रह रहे जितने भी नागरिक हैं उनको डोमिसाइल, मतलब वहाँ का डोमिसाइल बना दिया जाता है, वो कहा जाते हैं। आपको बता दूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर गैर हिमाचली, मतलब कि हिमाचल के जो लोग नागरिक नहीं हैं, दूसरे गैर राज्य के नागरिक हैं, वो वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते। यह अनुच्छेद 371 के तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रावधान। ऐसा ही है मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर जितनी भी, जैसे कोई भी कृषि की ज़मीन है वहाँ पर आप मिजो जनजाति के अलावा, मीनिंग ये कि मिजोरम में गैर राज्य वाले वहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते हैं, परंतु वहाँ की राज्य सरकार ने ये वाला प्रावधान तो कर रखा है कि वहाँ पे अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, यहाँ के आपको कोई कुछ भी या कोई काम करना है, सरकारी कोई ज़मीन आपको यहाँ पे लीज पे लेनी है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, परंतु जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको आप नहीं खरीद सकते। मैं आपको बता दूँ कि ये अनुच्छेद जो 370 है, भारत सरकार इसको वापस नहीं लाने वाली है, जबकि जो वहाँ के राजनीतिक नेता हैं, जो वहाँ के इस राज्य के नेता हैं, सभी ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो अनुच्छेद 370 है उसकी बहाली हो जाए या वो दोबारा यहाँ पे राज्य में आ जाए, परंतु भारत सरकार वहाँ पे अनुच्छेद 371 लाना चाहती है। अगर वो अनुच्छेद 371 वहाँ पे लाएगी तो वहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो तो काफ़ी हद तक खुश रहेंगे,
परंतु जो ये राजनीति के नेता हैं, इनकी जो राजनीतिक वर्चस्व है वो कहीं हद तक ख़त्म हो जाएगा। आगे आप समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 371 के तहत जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या हो। परिसीमन आयोग के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली की सीटें हैं वो 83 से बढ़ाकर 90 तो कर दी जाएंगी। उसी के साथ साथ उन सीटों को 45 और 45 करके जम्मू और श्रीनगर में बांट दिया जाएगा। आपको ये तो पता है कि जम्मू जो है प्रॉपर भारत का हिस्सा है, जबकि कश्मीर के अंदर कुछ पाकिस्तान अधिकृत हिस्सा है जिस पर भारत का अभी अधिकार है, परंतु उसके अंदर भी भारत सरकार उस अधिकृत ज़मीन के लिए कुछ सीट रिजर्व करना चाहती है। हम जान लेते हैं आखिरकार है क्या कि भारत सरकार इसमें 9 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व रहेंगी, जो 90 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी के साथ साथ 12 से लेकर 14 तक सीटें एसटी वालों के लिए रिजर्व रहेंगी। अब जो जम्मू और कश्मीर, जबकि जो जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उनका जो मोस्टली जो वर्चस्व है वो कश्मीर में है, जम्मू में इतना नहीं है, क्योंकि कश्मीर जो है लगभग 96% मुस्लिम का इलाका है, मतलब वहाँ पे 96% मुस्लिम रहते हैं। इसी के साथ साथ जम्मू में जो है थोड़ी कम प्रतिशत है। बात करें अगर कि कितने से कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे इससे परेशान होने वाले हैं, जो इससे जो परेशान होने वाले हैं कि ये जितने भी राजनीतिक नेता हैं इनकी जो राजनीति है वो वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर में 45 सीटें, जबकि जो पाकिस्तान जाला जो अधिकृत हमारा कश्मीर है उस कश्मीर में 30 सीटें बची, कितनी 15 सीटें। भैया 15 सीटों में जितने भी वहाँ के नेता हैं वो सब लड़ेंगे, और जबकि जम्मू का जो वर्चस्व है वो असेंबली में बढ़ जाएगा। जम्मू का वर्चस्व बढ़ जाएगा तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं वो यहाँ पे जो कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं उनके लिए नुकसान, जो वहाँ की उस राज्य की जनता है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद 371 के तहत जो है वो जितने भी नागरिक हैं वहाँ को डोमिसाइल का दर्जा दे दिया जाएगा, और साथ के साथ वहाँ पे आप क्या है कृषि भूमि योग्य जो भूमि है वो आप तो नहीं खरीद सकते, परंतु वहाँ पे आप अपनी कोई भी इंडस्ट्रीज या सरकारी अधिकृत ज़मीन पे कुछ तो अपना उद्योग कर सकते हैं। यही है 371। इसके बाद अगर बात देखी जाए तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा नरम रुख अपना रही। प्रक्रिया के तहत जो जम्मू कश्मीर पर टोटल जो कंट्रोल हो जाएगा वो जम्मू की सरकार चलेगी, मतलब कि उसमें से 15 सीटों में फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे या महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। भैया जो कंट्रोल हो जाएगा फिर वो भारत सरकार का होगा। जब भारत सरकार का कंट्रोल होगा तो चाहे अनुच्छेद 371 रहे, परंतु वहाँ पे जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो सब भारत सरकार के दिशा निर्देश पर चलेंगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसी लगी।